टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वापसी को लेकर तमाम फैंस बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि विश्व कप 2019 के बाद से धोनी ने भारतीय टीम के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में भारत जब 2019 विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में बाहर हो गया था, उसके बाद धोनी की रिटायरमेंट की खबरें लगातार सामने आने लगी थी। हर कोई ये कह रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही अपने संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन हाल ही में माही फैंस के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। जी आपको बता दें टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री का एक इंटरव्यू इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी अब T20 शायद नहीं खेलना चाहते। रवि शास्त्री ने इशारों में यह भी कह दिया कि धोनी अब बहुत जल्द वनडे क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, लेकिन रवि शास्त्री ने कहा कि अगर धोनी T20 खेलना चाहते हैं तो उनको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल सही खिलाड़ी है T20 वर्ल्ड कप के लिए। शास्त्री ने कहा कि अगर धोनी IPL या किसी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी T20 टीम का हिस्सा हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस लाजवाब है, ऐसे में उनकी फिटनेस को लेकर जिस तरह की भी चीजें सामने आई हैं उस लिहाज से तो लगता है कि धोनी बहुत जल्द मैदान पर वापसी कर सकते हैं। खास तौर पे अब ये भी माना जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत जल्द अब T20 टीम में वापसी कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि न्यूजीलैंड दौरे पर महेंद्र सिंह धोनी को टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनकी जगह ऋषभ पंत को जब शामिल किया गया था तो उन्हें फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन ऋषभ पंत ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। ऐसे में भारत को विश्व कप जीतना है तो विकेट के पीछे भी एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए होगा, साथ ही एक अच्छा फिनिशर भी। खुद विराट भी ये बात कह चुके हैं कि उनकी टीम में अभी और भी फिनिशर्स की जरूरत है। ऐसे में धोनी का टीम में आना लगभग तय माना जा रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि धोनी सिर्फ और सिर्फ T20 विश्व कप खेलते हुए ही नजर आएंगे। आपकी क्या राय है? क्या महेंद्र सिंह धोनी को सिर्फ T20 फॉर्मेट ही खेलना चाहिए या फिर वो वनडे फॉर्मेट के लिए भी फिट है, ये हमें जरूर बताइएगा। लेकिन माही फैंस के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।